कमर कस लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज हम दिखाने जा रहे हैं तीन खतरनाक राइड्स। वर्जीनिया के अम्यूजमेंट पार्क में सिर्फ 10 सेकंड्स की लंबी राइड के लिए 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। इसमें राइडर्स को 1.5 सेकंड्स में 0 से 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से लॉन्च किया जाता है। 165 फीट की ऊंचाई पर जाकर दूसरी तरफ ढलान पे उतरते हैं और ये जो आपको दिखाई दे रही है सच में उतना ही तेज है भैया जी। कैलिफोर्निया में एक 10 साल के बच्चे ने स्लाइड राइड लेने का मूड बनाया। यह स्लाइड राइडर को 38 फीट नीचे लगभग सीधे ढलान से गिराती है, लेकिन वो बच्चा स्लाइड पर फिसलने के बाद उछलकर सीधे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरा। भाई मैं तो रोने लगता, लेकिन ये शेर दिल बच्चा उठा और चल दिया। लेकिन उस बच्चे को खास चोट तो नहीं आई, लेकिन पहली बार खुलने के 90 मिनट के बाद यह राइड बंद कर दी गई। 2007 में कैटलिन एक राइड की सवारी के लिए तैयारी कर रही थी। इसमें राइडर को 180 फीट ऊपर ले जाकर 54 मील प्रति घंटे की स्पीड से नीचे ले जाते हैं। तो कैटलिन जब ऊपर की ओर जा रही थी तब राइड को झटका लगा और उसे ऊपर ले जाने वाली एक केबल उसके पैरों में लिपट गई। और जब राइड नीचे गिरी तो केबल ने बेचारी कैटलिन के दोनों पैर तोड़ दिए और कुछ सेटलमेंट के बाद राइड बंद कर दी गई।